ये मैं 1978 से देख रहा हूँ कि जब चुनाव ख़त्म होता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, प्रत्याशी अपना दूसरे अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, हमारी पार्टी भी अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो अगर हमारे कार्यकर्ता की ये सोच है कि हम भी चुनाव लड़ें, तो उसमें कोई दोष नहीं है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी प्रत्याशी बनना चाहते हैं, टिकट तो एक ही मिलेगा विधानसभा का, और वो टिकट हमारे नेता नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार जिसको अपना प्रत्याशी बनाएंगे, वो हमारा कैंडिडेट होगा, हमारा प्रत्याशी होगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो ये बात तो संगठन के मतलब अंदर अंदरूनी बैठक में उठाने जानी चाहिए हाईकमान से, तो फिर साझे करके घोषणा क्यों किया? अभी ये कोई घोषणा नहीं हुई है। अब हम अपने आप को घोषित कर दें कि मैं बाल विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, तो ये हमारी बेवकूफ़ी। सर पटना से संजय सिंह ने घोषणा की थी और बाढ़ में कुछ लोगों को, मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पे घोषणा कर दूँ कि मैं भी प्रत्याशी हूँ, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। अभी एक साल समय है, और किसको टिकट देंगे? और अभी ये बीजेपी का सीटिंग ये है, हमारे एनडीए का घटक दल है जो वर्तमान प्रत्याशी है, कैसे उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा? हाँ, अब अलग वो बीजेपी से कोई प्रत्याशी ना दें, जेडीयू से प्रत्याशी दें, तो बात दूसरी है। लेकिन अभी तो हक बनता है जो वर्तमान प्रत्याशी ज्ञानू जी हैं, उन्हीं का हक बनता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ जो है सो हमारी पार्टी में कोई भी असंतुष्ट नहीं है, सारे लोग संतुष्ट हैं, और सारे लोग एक साये के तले हैं। अब वो साया हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, एक भी इधर उधर होने वाले नहीं हैं सारे लोग। लेकिन उम्मीदवारी सारे लोग घोषित करते हैं, मैंने अपनी भी बात कही कि मुझे भी इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, अगर टिकट देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी बाढ़ का प्रत्याशी बन सकता हूँ, मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, मैं यहाँ का पार्टी का एक सदस्य हूँ, 1993 से मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ। ये गर्व है मुझे कि मैं एक मुसलमान 1993 से कंटिन्यू मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ, था और रहूँगा, चाहे कोई भी पार्टी समता पार्टी बने, जेडीयू बने, या हमारे नेता जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ हूँ। आज ये संगठन की मजबूती के लिए आप जो देख रहे हैं, हम लोग वो कांधे से कांधा मिला करके बैठे हुए हैं, और हाथ से हाथ मिला करके जो है सो आज यहाँ से एक ऊर्जा जाएगी, एक रोशनी जाएगी, एक मैसेज जाएगा पूरे बिहार में कि बाढ़ विधानसभा से ये चुनावी आगाज़ हो चुका है, चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है, और यहीं से पूरे बिहार में ये पैगाम जाएगा कि बाढ़ से चुनावी बिगुल फूक दिया गया है। लेवल पे वही चुनाव की तैयारी हो रही है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, विमर्श हो रहा है, आज हम सारे कार्यकर्ता विमर्श के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ कार्यकर्ता यहाँ है, मतदाता नहीं है, सारे कार्यकर्ता लोग बैठे हैं कि आपस में बैठ करके हम लोग ये तय करें कि ये बाढ़ विधानसभा एनडीए प्रत्याशी, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का हो या बीजेपी का हो, एनडीए प्रत्याशी को कि भारी बहुमत से कैसे जिताएं, इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। ये वक्फ बोर्ड का जो है सो मसला यहाँ पे नहीं है, ये हमारे संगठन का मसला है। वक्फ बोर्ड की बात बाद में हम करेंगे, यहाँ करना उचित नहीं। पार्टी के विचार से सहमत है सर? बिल्कुल, पार्टी के विचार से सहमत है, पार्टी जो फैसला करेगी। और कोई भी सरकार आती है, कोई भी अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट इतना गलत नहीं होता है किसी भी जाति या धर्म के लिए कोई एकदम अनुचित हो, जो भी होगा न्यायपूर्वक होगा। मुझे आशा और विश्वास है एनडीए की सरकार से और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से।